30 नवंबर 2022 ये वो दिन था जब OpenAI ने अपना चैटबॉट ChatGPT रिलीज कर दिया और उसके बाद से एक AI की रेस शुरू हुई जहां अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग AI उतारे। इस AI की रेस को महायुद्ध में बदलने का काम किया गूगल के बार्ड और माइक्रोसॉफ्ट के बिंग AI ने और अब इस महायुद्ध में इलॉन मस्क भी अपने ग्रॉक AI के साथ उतर चुके हैं। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द टेक सुप्रीमेसी, इट इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। AI हमारा दोस्त बनेगा या दुश्मन? वर्ल्ड चेस की इस लड़ाई में सुप्रीम कौन होगा? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट AI चैंपियंस। सबसे पहले OpenAI का GPT-4, विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ OpenAI's लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एंड GPT-4 इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड वॉइस। यानी इसे आप इमेजेस दे सकते हैं, GPT-4 इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, इमेजेस क्रिएट कर सकता है और इस पर काफी बिजनेसेस भी खड़े हुए हैं। GPT-4 को अब तक का सबसे ताकतवर AI मॉडल माना जा रहा था Gemini से पहले। नेक्स्ट इज ग्रॉक AI। ग्रॉक के बारे में वैसे सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, तो अगर तुम्हें ग्रॉक के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलना। फिलहाल सिर्फ इतना जानते हैं कि ग्रॉक प्रोडक्ट है xAI कंपनी का, X यानी ट्विटर, जिसके ओनर है इलॉन मस्क। ग्रॉक तुम्हारा एक सुपर इंटेलिजेंट फ्रेंड हो सकता है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट का बिंग AI, जिसने लगभग गूगल के बार्ड को हरा ही दिया था। लेकिन गूगल ने Gemini के लॉन्च के साथ बता दिया है कि क्यों वो टेक दुनिया का सुपर पावर है। Gemini अब तक का सबसे ताकतवर AI है। या Gemini के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूले। Gemini अब तक का सबसे ताकतवर AI होने वाला है, जो राइटिंग, रीजनिंग, ह्यूमर, विजन, कोडिंग एंड म्यूजिक जनरेशन में इन सब का बाप होने वाला है। सो दीज आर आवर चैंपियंस। अब वीडियो में आगे हम सबसे पहले बात करेंगे वर्चस्व की, उसके बाद करेंगे ह्यूमैनिटी की। OpenAI, गूगल, ट्विटर, ये सारी कंपनियां आपस में लड़ रही है, आपस में कम्पीट कर रही है और बता रहे कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बेस्ट है। अभी वर्चस्व की लड़ाई कौन जीतता है देखने की बात होगी। फिलहाल मेरे हिसाब से तो गूगल का Gemini ही जीतते हुए दिखाई दे रहा है। हर बीतते हुए समय के साथ ये कंपनियां चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट और ज्यादा बेहतरीन बने। अब इन प्रोडक्ट का बेहतरीन बनना हमारे लिए अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। अच्छी बात इसलिए क्योंकि AI की मदद से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। लेकिन बुरी बात इसलिए है क्योंकि ये उन लोगों की जॉब खा सकता है जो लोग सिर्फ एक या दो स्किल्स पर टिके हुए। अब इन टेक जायंट्स का संघर्ष हमारे लिए अच्छी बात भी है, बुरी बात भी। अच्छी बात इसलिए क्योंकि हमें एक बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा। जितने ज्यादा आपस में ये कम्पीट करेंगे, उतनी ज्यादा अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उससे हमें यूजर को, उपभोक्ता को फायदा मिलेगा। इन कंपनियों का आपस में कॉम्पिटिशन एक जटिल कहानी है। हालांकि इसने निसंदेह इनोवेशन को प्रेरित किया है और कई मायनों में हमारे जीवन में सुधार किया है। लेकिन सतर्क रहना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस शक्ति का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिक रूप से किया जाए। इस AI के महायुद्ध में हमें खुद से यह प्रश्न पूछने होंगे कि इस AI का हमारे लिए क्या मतलब है। क्या AI अंततः हमारी जगह ले लेगा? क्या इस शक्तिशाली तकनीक के साथ सह अस्तित्व का कोई रास्ता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि AI का उदय अपरिहार्य है। यह सुनिश्चित करना हम पर निर्भर है कि शक्तिशाली तकनीक का उपयोग अच्छाई के लिए किया जाए या बुराई के लिए। हमें AI के भविष्य को आकार देने में सक्रिय होने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अन्य तरीकों के बजाय मानवता की सेवा करे। तो इस पूरे वीडियो में हमने देखा कैसे AI का महायुद्ध शुरू हो रहा है, इसके कैसे दुष्परिणाम हम पर होने वाले हैं और कैसे हमें AI का उपयोग मानवता के विकास के लिए, अपने खुद के विकास के लिए करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।